मैं कहूंगा उतना पढ़ना यार, हमने केवीएस पीजीटी निकलवा दिया इसी साल, हमने यूपीएसआई निकलवा दिया इसी साल, तो ये आपका आर्मी वाला जो ग्रुप सी है ये तो हम कोशिश करेंगे आपका निकलवा ही दें। हाय, आज हम पहला वीडियो बनाने जा रहे हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, वो है इंडियन आर्मी की पोस्ट, जो कि जुलाई में इसी साल नोटिफिकेशन निकलता है नव भारत टाइम्स और ऐसे कई सारे न्यूज़पेपर में कि इंडियन आर्मी अपनी तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कर रही है 42,000 पोस्ट के लिए। और उसके बारे में जो भी है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको अपने बारे में ये बता दूँ कि मैंने 2015 में UPPCF क्वालिफाई करा था, 2014 में IBPS क्वालिफाई करा था, 15-16 में मैंने IBPS दो तीन बार और क्रैक करा था लेकिन मुझे उसमें जाना नहीं था, और PO में मेरा इंटरव्यू नहीं क्रैक हुआ था, लेकिन उसके बाद 2016 में मैंने CDS को क्रैक करा था, लेकिन SSB में अपनी खराब आंखों की वजह से मैं बाहर हो गया था। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने YouTube पे थोड़ा सा रिसर्च करा और देखा कई सारे YouTube चैनल हैं जो कि आर्मी की तैयारी करवाते हैं, और इंडियन आर्मी की तैयारी कराते हुए वो लोग बताते हैं कि 18 साल से 25 साल तक के जो बच्चे होते हैं, देखो तो बच्चा ही बोला जाएगा इन लोग को, क्योंकि स्कूल से निकलने के बाद आप लोग पहली बार तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आपको ज़्यादा नॉलेज है नहीं कि क्या कोर्स है, क्या फ़ीस होनी चाहिए और किस तरह से इस पेपर को निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, इतनी बड़ी बड़ी तैयारी मत करना, IAS PCS वाले करते हैं इस तरह की तैयारी। आपका पेपर है ग्रुप सी का, बहुत आसानी से निकल जाएगा, जितना मैं कहूँगा उतना पढ़ना यार, हमने KVS PGT निकलवा दिया इसी साल, हमने UPSI निकलवा दिया इसी साल, तो ये आपका आर्मी वाला जो ग्रुप सी है ये तो हम कोशिश करेंगे आपका निकलवा ही दें। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले आर्मी की ये जो रिक्रूटमेंट है ये है MES की तरफ से, जिसको बोला जाता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, और ये ग्रुप सी के लिए है। किसके लिए है ये ग्रुप सी के लिए है, ठीक है, पहले ही आपको बता दूँ ये चीज़। तो जो आपके काम की चीज़ है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जुलाई 2023 में प्रिंट मीडिया में ये छपा है, इंडियन प्रिंट मीडिया में जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, कि ये वैकेंसीज आने वाली हैं, और हम मान के चल रहे हैं कि सितंबर में जो है, जो कि अब शुरू हो चुका है, अब इसका नोटिफिकेशन आपको ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पे देखने को मिलेगा और वो अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बता दें, उससे पहले आपको बताएं इसकी सैलरी कितनी होगी। 56,100 रुपये से लेके 1,77,500 रुपये पर मंथ। जॉब लोकेशन है वो पूरी ऑल ओवर इंडिया में होगी, जाहिर सी बात है इंडियन आर्मी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है ये। और देखिए, मेन चीज़ ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम है MES, ठीक है, MES, और इसको बोलते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज। पोस्ट का नाम है आपका ग्रुप सी, वैकेंसीज हैं आपकी टोटल 41822। अभी इसका एडवर्टीजमेंट नंबर नहीं आया है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने में थोड़ा सा टाइम है, गवर्नमेंट जॉब है ये, और इसको आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। कैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो वेबसाइट भी अभी हम आपको आगे बताएंगे। रजिस्ट्रेशन डेट मेरे हिसाब से इसकी सितंबर में शुरू हो जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्क्रीनिंग होगी, फिर उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और फिर इंटरव्यू। ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो है MES.gov.in, गवर्नमेंट वेबसाइट है, इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा। की डेट है नोटिफिकेशन रिलीज होने की वो 17 जुलाई 2023 की है, जो कि न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन छप के आया था, और उसके बाद जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी इनकी वेबसाइट पे आना बाकी है, ठीक है। देखिए, अब देख लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी है। मेट की जो पोस्ट है वो है इतनी 27920, मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS की है 11316, स्टोर कीपर की है 1026, ड्राफ्ट्समैन की है 944, आर्किटेक्ट की है 44, ग्रुप ए में आता है ये आर्किटेक्ट, आपको बता दूं ग्रुप सी की वैकेंसी नहीं है, ठीक है, आपको ये बता दूं आर्किटेक्ट वाली वैकेंसी इसमें ग्रुप ए की अलग से दी हुई है। बैरक एंड स्टोर ऑफिसर की 120 पोस्ट हैं, सुपरवाइजर की 534 पोस्ट हैं। जैसा कि मैंने अपने WhatsApp ग्रुप पे भी बताया था, जो लोग भी हमारे WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन नहीं है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप नंबर 1 अगर फुल हो चुका है तो ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया होगा, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। आपको बता दूं कि इसमें जो एज है वो 18 से 25 साल तक की होनी चाहिए, ये चीज़ हमने अपने WhatsApp ग्रुप पे आपको पहले ही बता दी थी। देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पे आ जाते हैं, जिस पे कई सारे कोचिंग वाले 8,000 से लेकर 10,000 तक रुपए जो है फीस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है, अपनी बुक्स बेचते हैं फ्लिपकार्ट पे, भाई कुछ नहीं होता है। मैं आपको बता दूं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और जनरल इंग्लिश एक में आएगी 25 नंबर की, ठीक है, जिसमें हम मान के चल सकते हैं कि 12 क्वेश्चन हो सकता है इंग्लिश के हों और 13 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयरनेस के हों। जनरल अवेयरनेस से यहाँ पे मतलब है करंट अफेयर्स, ठीक है,
ओके, उसके बाद आता है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और फिर आता है आपका स्पेशलाइज्ड टॉपिक, उससे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जो भी आपकी ट्रेड है जिसमें भी आप फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 10वीं तक की जो है आपकी एसएससी पैटर्न पे मैथ्स आएगी, और एसएससी कौन सा, CHSL, ठीक है, CGL नहीं, एसएससी CHSL की अगर आपने तैयारी करी है उस लेवल की, तो आप इस पेपर को निकाल लोगे। बस बहुत आसान सा पेपर होता है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है। अभी आपको क्या करना है ना कि आप हमारे नोट्स ले सकते हो केवल, और हम आपको जो है गाइड कर देंगे व्हाट्सएप के थ्रू, आप दिए गए नंबर पे हमसे नोट्स ले सकते हैं, हम आपको वहाँ पे गाइड कर देंगे कि आपको ये पढ़ना कैसे है नोट्स के थ्रू, ठीक है। बस आपको जो नोट्स मैं बताऊंगा वो पढ़ना, और जो मॉक टेस्ट आपको दूंगा वो सॉल्व करना, आपका पेपर 100% निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें, और नोट्स के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कहीं किसी कोचिंग मत जाइए, सिर्फ अपना सेल्फ स्टडी करिए, जो चीज़ हम आपको बताएंगे आराम से घर पे अपना दरवाज़ा बंद कर लीजिए, और वही वही चीज़ें पढ़िएगा, वही वही टॉपिक पढ़िएगा, उसी की प्रैक्टिस करिएगा, पेपर आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, और अभी जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा इस वेबसाइट के ऊपर, तब भी हम आपको इन डिटेल बताएंगे कि ये जो आपका स्पेशलाइज टॉपिक है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आनी है, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अच्छे से प्रिंट होके आएगा डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आपको ये समझ में आया होगा ये पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है, इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं और पहली बार में निकाल सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक ले थैंक यू सो मच।